हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अडानी ट्रांसमिशन की बात करेंगे और अडानी ट्रांसमिशन के आज रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। रिजल्ट किस तरीके से है, क्या है एग्जैक्टली, और शेयर में जिस तरीके से दबाव बना पड़ा है, क्या ये कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई देगा या शेयर भागता हुआ दिखाई देगा, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पर चल रहा है उससे रिलेटेड। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक बार इसके रिजल्ट देखते हैं और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट पे चलते हैं और अडानी ट्रांसमिशन, ओके, अडानी ट्रांसमिशन के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन यूज करता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मोस्टली लोग यही यूज करते हैं। तो अडानी ट्रांसमिशन यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी गिरावट कुछ दिनों में होती हुई दिखाई दी है। 2700 रुपए से शेयर की बात करें, 1256 रुपए पे शेयर चल रहा है, 10% का लोअर सर्किल चल रहा है और 4200 रुपए का शेयर हुआ करता था कभी, और ये शेयर यहाँ पर गिर गिर के कहाँ पर हो गया है, यहाँ पर लगभग 70% 71% शेयर यहाँ पर पूरा का पूरा गिरता हुआ नजर आ रहा है। और कितनी गिरावट होगी और क्या इस शेयर को अभी लेना चाहिए, बेचना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए रिजल्ट को देखने के बाद, तो मैं उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें करने वाला हूँ। तो अगर हम इसके रिजल्ट देखें तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ले जाना चाहूंगा बीएससी की साइट पे, और बीएससी की साइट पे ले जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगा अडानी ट्रांसमिशन, ओके, अडानी ट्रांसमिशन में यहाँ पर यूज करूंगा। और यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला, देखिए एएसएम की लिस्ट में रखा हुआ है सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखोगे तो ये रिजल्ट लगभग 2 घंटे पहले यहाँ पर आ चुके हैं, ओके। इसका इंपोर्टेंस समझ रहे, टाइम का इंपोर्टेंस क्या है, टाइम का इंपोर्टेंस से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा। लगभग 3:23 पे यहाँ पर रिजल्ट आ चुके थे, और मोस्टली क्या होता है कि रिजल्ट आने पर शेयर रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है, बट लोअर सर्किट लगा हुआ था, लोअर सर्किट अपर सर्किट में भी चेंज नहीं हुआ, लोअर सर्किट यहाँ पर थोड़ा सा भागते हुए नहीं दिखाई दिया, ओपन होते हुए नहीं दिखाई दिया। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्या करने वाले, बातें करने वाले, इस टाइम का इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके, 1 मिनट और लूंगा। देखिए, आपको पता है हमारा एक वेल्थ क्रिएटर ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके, वेल्थ क्रिएटर्स, और वहां पर हम अपने पोस्ट डालते हैं, एज वेल एज हमारा एक प्रीमियम ग्रुप तो नहीं कहूंगा, बट हाँ प्रीमियम सर्विस हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, उसका भी मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, काफी लोग वहां पर भी ऐड हो गए। तो यहाँ पर क्या सर्विस प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर देखिए ये है वेल्थ क्रिएटर्स लिख रहा है, ओके। और इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो ये आज के सारे परफॉर्मेंस है, 13% अप, स्टॉक्स मैंने छुपा रखा है, नेम मैंने छुपा रखा है जो हमारे ग्रुप में ऐड है, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेसी की वजह से, और जो नेम है ऑब्वियसली बात है जिन्होंने पे किया है उनके लिए। तो 13% अप, 13% अप, 15% अप, 2% अप, 9%, 3% अप, एज वेल एज यहाँ देखिए 3%, 3%, 5% अपर सर्किट, 3% अप, 5%, 3% डाउन, डिविस लैब को सेल बताया था तो डिविस लैब यहाँ गिरता हुआ नजर आया, 7% अप, एज वेल एज यहाँ पर बताया था अडानी के ऊपर कि यहाँ पर डेड कैट बाउंस है वो होता हुआ दिखाई दिया, 12% अप, ओके, एज वेल एज 5% अप। यहाँ पर देखिए ये शेयर फिर और आगे देखेंगे तो यहाँ देखिए हमारे 3 महीने में 120% के रिटर्न इस पर्टिकुलर शेयर ने दिए, 4% अप, 5% अप, 3% अप, 17% अप सो फार, एज वेल एज यहाँ देखिए 15%, 5%, 4%, 5%, 5%। तो मतलब हम इतने स्टॉक्स देते हैं, सब स्टॉक्स भागते हुए दिखाई देते हैं, 5%, 5%, एज वेल एज यहाँ देखिए 5%, 6%, 5%, और 12% पहले था, 5% दोबारा भागता हुआ दिखाई दिया। तो ये क्या है, ये हमारा एक वेल्थ क्रिएटर्स व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ जो कि हमारे इन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। इसकी फीस है 1000 रुपीज पर मंथ, ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1000 रुपीज पर मंथ है, बट आप इसकी जगह दूसरी सब प्रीमियम सर्विस हमारी लेना चाहते हैं तो उसकी उसमें क्या होता है, उसमें हम यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें प्रॉपर वे से रिस्क मैनेजमेंट की जाती है, प्रॉपर वे से शेयर को लिया जाता है, कब एंट्री लेनी है, कब शेयर बेचना है, कब यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, क्या करना है, यहाँ पर वो सब चीज़ें यहाँ पर है। 5000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपीज प्लस में 30% का प्रॉफिट, या तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, या ये सर्विस या ये सर्विस, ये प्रीमियम सर्विस में। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही केवल ऐड होना चाहते हैं तो पर मंथ 1000 रुपीज है, दैट्स इट। मैं अपन में अलग अलग अच्छे अच्छे स्टॉक्स देता हूँ जो इस तरीके से बिहेव करते हुए नजर आते हैं, अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट 8860504051 8169261037 पे कॉन्टैक्ट करके इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, एज वेल एज ये शेयर मैं ढूंढता कैसे हूँ,
क्या इसके पीछे की वजह है कि शेयर जैसे ही दिए जाते हैं भागने लग जाते हैं, उसके पीछे की वजह है ये कोर्स टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू एडवांस रिसर्च और फंडामेंटल। ये पूरा का पूरा कोर्स अगर किसी ने कर लिया, किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद थोड़ा सा मार्केट का एक्सपीरियंस ले लिया, तो याद रखिए आप इतने रिटर्न कमाएंगे आपने सोचा नहीं होगा। 1-to-1 15,000 की फीस है फॉर कंप्लीट कोर्स एंड 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग स्ट्रेटेजी जो मार्केट में यूज होती है, और ऑनलाइन नोट्स सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स से रिलेटेड एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, एज वेल एज प्रीमियम सर्विस के लिए भी इन नंबरों को यूज करिए। अब बात करते हैं अडानी ट्रांसमिशन की। तो अडानी ट्रांसमिशन देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 71% तक यहाँ पर डाउन हो चुका है। शेयर में एक गिरावट हुई और 3 घंटे पहले शेयर के रिजल्ट आए, और रिजल्ट सॉरी 2 घंटे पहले, मतलब मार्केट ओपन थी उस टाइम रिजल्ट आया, बट स्टिल शेयर में कोई मूवमेंट नहीं हुई। तो इसका मतलब मार्केट को शायद रिजल्ट पसंद नहीं आया, बट क्या रिजल्ट बेकार है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वार्टर के, ये लास्ट क्वार्टर के और ये लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के यहाँ पर रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखिए टोटल इनकम 407 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, जो कि एक साल पहले 559 थी और एक क्वार्टर पहले 352 करोड़ रुपए थी। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो इनकी इनकम है वो यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, नो डाउट ओके ईयरली बेसिस पे, बट क्वार्टरली बेसिस पे वो इनकम बढ़ी है। एज वेल एज कंपनी ने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया है, यहाँ देखिए जहाँ 308 करोड़ के एक्सपेंसेस अपके हैं, इससे पहले 320 तो, और एक साल पहले लगभग 490 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, वो बहुत कम करते हुए दिखाई दिए। और दिस इज द मेन रीजन ओके दिस इज द मेन रीजन कि यहाँ पर कंपनी को अच्छा खासा क्या होता हुआ दिखाई दिया है प्रॉफिट। तो ये स्टैंड अलोन नंबर है, देखिए लगभग 100 करोड़ रुपीज के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले घाटे में था 29 करोड़ का, और एक क्वार्टर पहले 32 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी का ईपीएस बढ़ा है, कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, एज वेल एज यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो मुझे दिखती है, एज वेल एज ईयरली बेसिस मैं यहाँ पर कंसोलिडेट नंबर आपको दिखाता हूँ। तो कंसोलिडेट नंबर भी आप देखोगे तो यहाँ देखिए कंसोलिडेट नंबर प्रॉफिट फॉर द पीरियड में आपको सीधे यहाँ पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि लगभग 478 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 276 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले 194 था। तो कंपनी ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, कंपनी अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है, और कंपनी ने अपने आप को प्रूव किया है कि हाँ वो डिजर्व करती है, वो अच्छा काम कर रही है। हाँ शेयर प्राइस महंगा हो गया था, शेयर प्राइस ने एक ट्रिमेंडस रिटर्न दिए थे, और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि स्टेजेस में चीजें चलती है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 और स्टेज 4, यहाँ पर चीजें यहाँ पर कब यहाँ पर नहीं लेनी है, कब लेनी है, कब बेचनी है, कब यहाँ पर बड़े लोगों के ट्रैप में आने से फंसना है, वो सब चीजें यहाँ पर इस कोर्स में बताया जाता है, स्टेजेस बताई जाती है। और मैंने यहाँ पर कल एक वीडियो बनाई थी एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेजेस की, किस तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पर स्टेजेस चलती है, जाके एक बार इस वीडियो को देखो ताकि आपको यहाँ पर पता चले कि एक्चुअली स्टेजेस क्या होती है, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, स्टॉक कैसे वर्क करते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर जब आप सीख लोगे समझ लोगे तो ये जो रिटर्न है ना 4% 5% 15% 16% जो शेयर भाग रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन यही है। तो चीजों को समझने की कोशिश करो। तो अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए 20 का इसका इंडस्ट्री का पी है, इसका 163 का है, तो कहीं ना कहीं शेयर महंगा नजर आता है, और कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट है, जहाँ पर 9,520 करोड़ के रिजर्व है, वहीं 33,000 करोड़ के यहाँ पर कंपनी का डेट है, और यहाँ देखिए 5,400 करोड़ यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में लगा रखे। जब ये काम होगा दोबारा इनकी सेल्स एंड ऑल यहाँ पर बढ़ेगी, और कंपनी का जो ये प्रॉफिट है यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस पे तो यहाँ बढ़ी रहा है ओके अच्छा खासा, क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अच्छा यहाँ पर चीजें दिखाई देती है मुझे एटलीस्ट। तो कंपनी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके, जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। यहाँ देखिए प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, FIIs के पास 19.32% जो कि यहाँ पर कम हो गया होगा, DIIs के पास इतने, और पब्लिक ने शेयर खरीदे होंगे नो डाउट, क्यों, क्योंकि जब शेयर गिरते हैं तो उन्हें पता नहीं रहती, कि यहाँ पर चीजें खरीदने लायक अभी है ही नहीं, काफी लोग यहाँ पर ऊपर फंसे हुए। कल मैंने ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई थी, तो काफी कमेंट काफी मैसेज मुझे आए कि सर क्या करना चाहिए, काफी लोग ऊपर के लेवल पे अटके हुए थे। तो चीजें आपको क्या है समझनी होगी, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पर पैसा लुटाया जाए ओके, बेफालतू में आपकी हार्डकोर मनी है वो लुटाने के लिए आप तैयार रहते हो, बट सीखने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं हो, किसी की अच्छी सी रिकमेंडेशन के लिए ग्रुप ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं समझते, ये आपकी कमी है थोड़ी सी, तो इसे आपको ओवरकम करना पड़ेगा, या तो सीख के या किसी की हेल्प लेके।
स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अभी क्या चल रही है, स्टेज 4 चल रही है। शेयर मार्केट में रिजल्ट आए, बट फिर भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। रिजल्ट बेहतरीन थे, सब कुछ यहाँ पर बेहतरीन नजर आ रहा है, बट चीटें गिरती हुई नजर आ रही है। कहाँ तक गिर सकती है, अब उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो 70% के आसपास की गिरावट है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो गिरावट है मुझे यहाँ तक नजर आती है। शेयर 900 रुपए तक मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद जिस तरीके की गिरावट यहाँ पर हो रही है और इतने अच्छे रिजल्ट होने के बाद भी यहाँ पर चीजें नहीं चल रही, तो शायद आने वाले टाइम में आप एक आध झटका भी देख सकते हैं शेयर में और नीचे का। मतलब यहाँ पर शेयर 600 रुपए, और शायद आपको ये शेयर 300-400 रुपए पे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट क्या लेना चाहिए उस टाइम भी? उस टाइम भी नहीं लेना है। शेयर जब भागेंगे तो यहाँ पर एक्टिविटी होती है कि यहाँ पर कब लेना है आपको। फिर डेट कैट बाउंस, मैंने पर कल वीडियो बनाई थी, उन्हें यहाँ बताया था अडानी इंटरप्राइजेस में कि डेट कैट बाउंस होता है। तो यहाँ पर देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस देखोगे तो अडानी इंटरप्राइज में सुबह तो यहाँ पर डेट कैट बाउंस ही यहाँ पर नजर आ रहा था मुझे, अभी का यहाँ पर। हाँ, फिर वो देखिए डेट कैट बाउंस यहाँ पर रिकवर होता हुआ नजर आया, कोई इशू नहीं है क्या। अभी यहाँ पर देखिए, अगर चीजें ऊपर भी चली जाती है तो भी यहाँ पर आपको संभल के ही चीजें ट्रेड करनी है, और यहाँ पर सीधे जंप करने की जरूरत नहीं है। चीजों को समझना है, ऊपर के लेवल पे शायद आपको फंसा के फिर यहाँ पर लाया जाए। ओके, तो चीजों को देखिए, तीन चीजों को देखने के बाद समझिए किस तरीके से बिहेव करती है, तब समझिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर अपर सर्किट लग रहा है, आप यहाँ पर खरीद लोअर सर्किट लग रहा है, आप यहाँ पर चीजें खरीद रहे हैं। ओके, यहाँ पर चीजें भागने नहीं वाली, 1 से 2 साल और शायद 3 साल भी हो सकते हैं। उस चीज को यहाँ पर समझिए कि शेयर यहाँ पर चलने नहीं वाला। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके से यहाँ पर शेयर की मूवमेंट होती है। यहाँ पर आप देखोगे शेयर यहाँ पर 15 से लेके लगभग 200 रुपए तक तो गया, बट इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है, और अच्छी मूवमेंट यहाँ थी, तो यहाँ पर हमें शेयर पकड़ना है। तो जब यहाँ पर इस तरीके की मूवमेंट होगी उस टाइम यहाँ पर शेयर को पकड़ेंगे, अभी नहीं। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। दूर रहना है अभी, चीजें हो सकती है यहाँ से चीजें थोड़ा सा और ऊपर जाके आपको फंसाने की कोशिश करें, फिर नीचे आए। बट रिजल्ट अच्छे थे, बट शेयर यहाँ पर भी अच्छा मुझे नजर नहीं आता। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।